हे माय बटरफ्लाई, कैसा आप सब? गुड। क्या देखने वाले हैं हम? हाँ, आपके सवाल। कोरिया में ज़्यादातर म्यूजिक बैंड होते हैं, ऐसा क्यों है? और एक आर्टिस्ट और एक आइडल में क्या फ़र्क होता है? कोरिया में या जापान, चाइना, अमेरिका जैसे देशों में म्यूजिक बैंड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ फिल्मों में सॉन्ग नहीं होते। उनकी पूरी मूवी में सिर्फ एक सॉन्ग होगा। हमारी इंडियन मूवी में फिल्म के टाइटल से लेकर एंड तक 6-7 सॉन्ग होते हैं। पहले फिल्म के टाइटल सॉन्ग, हीरो या हीरोइन के एंट्री का सॉन्ग, फिर हीरो और हीरोइन को एक दूसरे का देखने का सॉन्ग, उनके प्रपोज करने का सॉन्ग, ब्रेकअप सॉन्ग, बर्थडे सॉन्ग, एनिवर्सरी सॉन्ग, सैड सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग, हर तरह के सॉन्ग। बाकी कोरिया, जापान, अमेरिका जैसे देशों में मूवी में तो सिवाय एक सॉन्ग के कोई और सॉन्ग होता नहीं है। उनके पास प्राइवेट कंपनी होती है जो म्यूज़िक बैंड बनाती है। अब एक इंसान को जो अपना म्यूज़िक सबको सुनाना चाहता है, उसके पास कंपनी में आने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं होता, क्योंकि मूवी में तो कोई सॉन्ग है नहीं, बचा प्राइवेट कंपनी का ऑप्शन। और दूसरा बड़ा रीज़न कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में पैसा बहुत मिलता है कंपनी को, सच में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सॉन्ग ने 100 रुपये कमाए हैं तो ज़्यादातर कंपनी अपने पास 95 रुपये रखती है और आइडल को सिर्फ 5 रुपीज़ देगी। तो सोचो कंपनी को कितना ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता है। इसलिए इन जैसी, मतलब कोरिया, जापान, चाइना, अमेरिका, इन जैसे देशों में बहुत म्यूज़िक कंपनी और बैंड होते हैं। और क्या था, एक आइडल और आर्टिस्ट में क्या फ़र्क है? अकॉर्डिंग टू कोरिया, एक आइडल मतलब मूर्ति जो कंपनी के अंडर में काम करते हैं, जो कंपनी के मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकते और जिनके लिए कंपनी ही गाने बनाती है। आइडल को सिर्फ परफॉर्म करना होता है। कंपनी आइडल्स को सॉन्ग बनाने की परमिशन नहीं देती है, और परमिशन देगी भी तो आइडल के लिखे सॉन्ग और म्यूज़िक में काफ़ी फेरबदल कर देती है। और एक आर्टिस्ट वो होता है जो अपने सॉन्ग पर खुद काम करते हैं। उनके पास एक सीरियस प्रोफेशन होता है कि या तो एक इंसान गाने में अच्छा हो ताकि उसे सिंगर कहा जा सके, या वो अच्छा लिखना जानता हो जिसे राइटर कहा जा सके, या वो अच्छा सॉन्ग प्रोड्यूस कर सकता हो जिसे सॉन्ग प्रोड्यूसर कहा जा सके। कम से कम वो किसी एक काम में तो परफेक्ट हो, तब हम उसे आर्टिस्ट कह सकते हैं। शुगा, आरम, जहोब, इनको देखा है? वो लिखते भी खुद हैं, गाते भी खुद हैं और म्यूज़िक भी खुद बनाते हैं। जबकि कई आइडल ऐसे हैं जो सॉन्ग की 4 लाइन के सिवा कुछ नहीं गा सकते। इसलिए कोरिया में आर्टिस्ट की ज़्यादा इज्जत है बजाय आइडल के। कई कंपनी ऐसी है जो अपने टैलेंटेड आइडल को भी अपने सॉन्ग पर खुद काम करने की परमिशन नहीं देती है। के पॉप आइडल होना बहुत मुश्किल है। कंपनी की गलती की वजह से हम आइडल की इज्जत ना करें, ये तो गलत बात है। नेक्स्ट दी प्लीज़, मेरे क्वेश्चन का भी आंसर कर दो ना। एक्चुअली क्या वी और लीसा, जिमिन और जीशू, जंगकुक और जैनी सभी अपने अपने ब्रांड के एम्बेसडर हैं? दी, सब लोग ही ग्लोबल एम्बेसडर हैं क्या? हाँ, सब ग्लोबल एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर या एम्बेसडर आर साइलेंट होता है, वो एक से ज़्यादा होते हैं। एम्बेसडर का काम है ब्रांड का प्रमोशन करना। अब एक बड़ा फेमस इंसान अगर कोई कंपनी के कपड़े पहनता है या ज्वेलरी पहनता है, तो उनके फैंस भी उनको देखकर वैसे ही कपड़े या ज्वेलरी पहनना चाहेंगे, और ऐसा होता भी है। आर्टिस्ट जो कपड़े पहनते हैं या ज्वेलरी पहनते हैं, वो अगले दिन ही सोल्ड आउट हो जाता है, सारे के सारे बिक जाते हैं। इसलिए फैशन कंपनी ऐसे देश जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं या जहाँ के लोगों को फैशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वहाँ से अलग अलग फेमस आर्टिस्ट को एम्बेसडर बनाती है, ताकि उनके फैंस के बीच ब्रांड प्रमोट हो सके। सिंपल, ब्रांड एम्बेसडर कितने भी हो सकते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। ज़्यादातर एम्बेसडर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल तक ही काम करते हैं, लेकिन जब ब्रांड कंपनी को दिखता है कि किसी आर्टिस्ट से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो वो उस आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर देते हैं। जैसे जेके, जेके सिर्फ कैल्विन क्लाइन के इस सीज़न के ही ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये जो सीज़न चल रहा है बस उसके। अब अगर कैल्विन को लगेगा कि जेके से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो हो सकता है वो जेके का कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दे। एक लाइन में ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ब्रांड को प्रमोट करने वाला, सिंपल। नेक्स्ट, दी लोग कहते हैं कि BTS 2027 में डिसबैंड हो जाएगा। इस सवाल से तो कमेंट सेक्शन भरा पड़ा रहता है मेरा। अकॉर्डिंग टू बिलबोर्ड न्यूज़, यस, BTS का कॉन्ट्रैक्ट बिग हिट के साथ 2026 तक का ही है, 2026 तक का, तो 2027 में उन्हें डिसबैंड होना ही है। लेकिन अभी आप इस बारे में क्यों सोच रहे हैं? ये 2023 है, 2027 आने में अभी बहुत टाइम है।
वैसे BTS पहले 2018 में डिसबैंड होने वाला था, पर 2018 में ही 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर दिया था। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, 2026 में कॉन्ट्रैक्ट फिर रीन्यू हो या सब अलग अलग काम करें। हालांकि मेंबर तो हमेशा ये कहते हैं कि वो हमेशा साथ में काम करना पसंद करेंगे। बाकी फ्यूचर की बातें फ्यूचर पर ही छोड़ देनी चाहिए, है ना। 2027 के लिए 2023 में परेशान होना समझदारी की बात तो नहीं है, है ना। वो भी ऐसी बात जिसका खुद आर्टिस्ट को भी पता नहीं है कि वो आगे साथ में काम करना चाहेंगे या अपनी पर्सनल लाइफ जिएंगे। इसलिए क्या BTS 2027 में डिसबैंड हो जाएगा, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, खुद आर्टिस्ट भी नहीं। एंड लास्ट सिस्टर, ये क्वेश्चन है कि BTS के मेंबर को कब लाइव आना है, क्या ये कंपनी डिसाइड करती है, और ये क्या BTS मेंबर एशियन के साथ वर्क क्यों नहीं करते। सबसे पहले तो तुम्हारी लिखावट देख के लग रहा है कि तुम्हें हिंदी नहीं आती, तुम शायद साउथ की साइड की हो या फिर बाहर देश की हो, पर तुमने हिंदी लिखने की कोशिश की इसलिए मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ, नाइस ट्राई, मुझे देख के खुशी मिली। अब आंसर, हाँ 2022 से पहले यानी BTS के ब्रेक पर जाने से पहले कंपनी ही डिसाइड करती थी कि BTS को ग्रुप लाइव कब करनी है, कंपनी सारा इंतजाम करके रखती थी। और सोलो लाइव के लिए यानी अगर किसी मेंबर को अकेले लाइव करना है तो उनका एक टाइम टेबल होता था कि आपको एक महीने में कितनी बार लाइव आना है। और जब आर्टिस्ट लाइव आते हैं तो स्टाफ उन पर नज़र रखता है। जेके ने अपने 2019 की लाइव में भी कहा था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान स्टाफ होगा, क्योंकि जब तक मैं लाइव रहूँगा तब तक उनको भी जागना पड़ेगा। स्टाफ का काम है आर्टिस्ट के लाइव पर नज़र रखना ताकि वो कुछ गलत ना बोल दें। एनीवे ऐसा सब पहले होता था, अभी 2022 के बाद से BTS की मर्जी है, उन्हें लाइव आना है या नहीं उनकी मर्जी। इसलिए वी अपने बर्थडे के दिन लाइव नहीं आई, और जेके इतनी ड्रिंक करके भी लाइव करते थे। जब BTS को ज़्यादा ही बड़ा रूल तोड़ दे तो कंपनी सिर्फ उन्हें थोड़ा डांट लगा देती है, मतलब ऐसा मत क्या करो। जैसे JK और V अचानक रात को इंस्टाग्राम पर लाइव आ गए थे, कंपनी ने क्या किया, थोड़ी डांट लगाई बस। कुल मिला के BTS के पास अब पहले से कहीं ज़्यादा फ्रीडम है, मन करेगा तो लाइव करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। छोटे मोटे रूल टूटने पर क्या कर लेगी कंपनी। अब रही बात BTS की एशियन के साथ काम ना करने की, तो कोरिया भी एशियन ही कंट्री है। हाँ लेकिन मैं जानती हूँ तुम शायद भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल साइड की बात कर रही हो, अभी वो कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो ये तो कंपनी डिसाइड करेगी कि उन्हें किसके साथ काम करना है और किसके साथ नहीं। एनीवे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।